शौकीनों के लिए, अगर आप देसी मुर्गे के स्वाद के शौकीन हैं, आपको देसी अंडे भी पसंद है, तो रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किसानों ने आपको बेहतरीन विकल्प दिया है। दरअसल मुर्गे की झारसिम नाम की प्रजाति विकसित की गई है, जो न सिर्फ स्वाद में देसी किस्म जैसा है बल्कि मुर्गा पालकों की आमदनी बढ़ाने वाला भी है। लेकिन कैसे, इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुर्गों के इस झुंड को साधारण समझने की गलती ना कीजिए। अगर आप देसी मुर्गे के स्वाद के शौकीन हैं, आपको देसी अंडे पसंद हैं, तो रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया मुर्गा झारसिम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। दरअसल मुर्गे की झारसिम नाम की प्रजाति को साल 2016 में विकसित किया गया था, जो न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि मुर्गा पालकों की आमदनी बढ़ाने वाला भी है। झारसिम में झार का मतलब है झारखंड और जनजाति इलाकों में सिम का मतलब होता है मुर्गा, यानी झारखंड में तैयार किया गया मुर्गा। नई किस्म के विकास के लिए देसी देहलिम रेड और PB2 किस्मों का क्रॉस कराया गया। इस मुर्गे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्राकृतिक वातावरण में चरकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा है। झारखंड में ज्यादातर घरों में आपको 15 से 20 मुर्गियां मिल जाएगी, तो लेकिन देसी मुर्गी वो रखते हैं, तो उसकी जगह पर हम लोगों ने प्रयास किया और इस मुर्गी के वैरायटी को डेवलप करने में 2009 से हम लोगों ने शुरू किया और झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु में हमने इसका परीक्षण भी किया, साथ साथ में यहाँ फार्म पे भी परीक्षण किया गया और सभी जगह में जब रिजल्ट आने के बाद इसके रिजल्ट को हम लोगों ने ICR को भेजा, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च को भेजा, वहाँ से अप्रूवल के बाद 2016 में इस नस्ल को यहाँ पर इजाद किया। झारसिम किस्म से अगर देसी किस्म की तुलना करें तो देसी मुर्गों का वजन जहां एक साल में सिर्फ 1 किलो तक पहुंचता है और वो औसतन 60 से 70 अंडे देते हैं, वहीं झारसिम एक साल में 120 से 150 अंडे तक देती है और इनका वजन भी महज 3 महीने में 1.25 से 1.5 किलो तक पहुंच जाता है। ये झारसिम ब्रीड जो है, अगर देसी मुर्गी का कंपेरिजन करें तो देसी मुर्गी 60 अंडा देती है और ये 120 अंडा देगी झारसिम जो है, तो जो ग्रामीण परिवेश में हमारे किसान हैं उनको डबल करीब फायदा हो रहा है अंडा बेचने के बाद। साथ ही साथ अगर बॉडी वेट की बात करें तो 1 किलो अगर देसी मुर्गी का वेट है तो तकरीबन उसके कंपेरिजन में इसका वेट जो है 1.5 किलो है। मांस की भी हमको ज्यादा प्राप्ति हो रही है, अंडा की भी प्राप्ति हो रही है। झारसिम नस्ल ने मुर्गा पालक किसानों के जीवन में नई क्रांति ला दी है, आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, इस किस्म के मुर्गे की खासियत क्या है और इसकी देखरेख कैसे की जाए, इसकी भी खास ट्रेनिंग सरकार की तरफ से किसानों को दी जाती है। 100 पीस हम यहाँ से रांची वेटनरी कॉलेज पोल्ट्री फार्म वहाँ से 100 को चूजा हम 1 महीना वाला खरीद के ले गए थे, उससे हमको देख रेख भरण पोषण खिलाने पिलाने का वगैरह वगैरह जो भी कुत्ता बिल्ली से बचाव रख रखाव करते हुए हमारे पास जितने भी मुर्गा मुर्गी बच गए करीबन 80, अब 80 बचे, 80 में हमको प्रतिदिन मैक्सिमम 40 से 50 अंडा मिलने लगा। उस अंडे से हमको काफ़ी आमदनी भी आने लगा, घर में खाने के लिए भी मिल गया, बाहर में बेचने के लिए भी हो गया। सच्चाई तो ये है कि झारसिम नस्ल के मुर्गों ने न सिर्फ झारखंड के किसानों को खुशहाल कर दिया है बल्कि देसी मुर्गे के स्वाद के शौकीनों को भी बेहतरीन विकल्प दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के समय में शुद्ध खाने पीने की चीजों को लेकर गांव के लोग हो या फिर शहर के, दोनों जगह जागरूकता काफी बढ़ी है, जिसमें किसान गोबर के साथ गांव में मिलने वाली दूसरी और चीजों को मिलाकर जैविक खाद तैयार करते हैं और इसी से आधारित सफल खेती कर रहे हैं। लेकिन अब शहरों में रहने वाले दूसरे प्रोफेशन के लोगों ने भी जैविक खेती का बेहतर भविष्य देखकर इसे अपनाया है। अगर
हम आपसे कहें कि एक बैंक मैनेजर की नौकरी करने वाले युवा ने अब अपनी नौकरी छोड़ पूरा वक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में लगा दिया है, तो आप ज्यादा हैरान ना हो और देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कई बार हम इंसान अपनी जिंदगी और अपनी दिनचर्या से परेशान हो जाते हैं, लेकिन कभी भी अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए साहस नहीं कर पाते और वह अपनी जिंदगी जीते नहीं काटते रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? तो ये स्टोरी भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान प्रतीक शर्मा से, जो कभी बैंक में चीफ मैनेजर रहे और उनकी पत्नी भी बैंक में कार्यरत थी। लेकिन प्रतीक को बैंक की नौकरी से जिंदगी में आराम तो था, लेकिन प्रतीक का मन फिर भी सुकून को तलाशता था और उनका मन हमेशा से खेती करने का होता था। करीब 20 साल बाद जब प्रतीक अपने एक गांव गए तो उन्होंने देखा कि गांव खाली सा हो गया है। गांव के अधिकतर युवा पढ़ाई के कारण या फिर नौकरी के चलते गांव से बाहर जा रहे हैं, लेकिन कोई गांव वापस लौट कर नहीं आ रहा। इस कारण शहर तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव वही का वही रह गया। 8-10 साल नौकरी करने के बाद जब चीजें थोड़ी सी स्थिर हुई तो लगा कि आगे क्या हम नौकरी को और लंबे समय कर पाएंगे, तो जवाब मिला नहीं। तो 2015 में कहीं खेती की शुरुआत हुई, करीब एक साल लगा और 2016 में पूरी तरह से खेती में कूदा और आज बहुत खुश हैं। ये देखकर प्रतीक सोचने को मजबूर हो गए कि गांव की खुशहाली और हरियाली वो कैसे लाए। इसके लिए प्रतीक शर्मा ने निर्णय लिया कि वो खेती करेंगे और साल 2015 में पॉली हाउस में खेती की शुरुआत की थी। फसल तो बहुत अच्छी पैदा हुई, लेकिन मंडी में उसकी उपज कीमत बहुत कम लगाई गई। इतने भी रुपए नहीं मिले कि लागत निकल आए। फसल से मुनाफा कमाना तो बहुत बड़ी बात थी, खेती में लगे इस घाटे ने उन्हें एकदम झकझोर दिया। इसका कारण जानना चाहा तो पता लगा केमिकल खेती में उर्वरक, परिवहन, पानी और बिजली का खर्चा बहुत अधिक था। दूसरी तरफ केमिकल से उपजाई गई फल सब्जियां सेहत के लिए खराब हैं। प्रतीक बताते हैं, ऐसे में मेरे मन में हमेशा एक अपराध बोध रहता था कि मैं लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा हूं। इस पर उन्होंने काफी विचार किया। साल 2016 में बैंक की नौकरी छोड़कर जैविक विधि से खेती करने लगे। इसके बाद उन्होंने कई तरह की सब्जियां उगाई जिस पर काफी कम लागत आई। पहले एक साल एक ही फसल में हमने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमें शायद इसको बदलने की जरूरत है। एक तो लागत बहुत ज्यादा हो रही थी, दूसरा हम बहुत ज्यादा रसायनों का उपयोग करना पड़ रहा था, और तीसरा है कि इसकी कीमतें भी बहुत अच्छी हमें नहीं मिल रही थी। तो हमने पहली फसल के बाद रासायनिक छोड़ के और जैविक खेती की शुरुआत की। वो बताते हैं कि उनके पास 5.5 एकड़ जमीन है जिसमें वो 8-10 सब्जियां उगाते हैं। एक समय पर एक खेत में 3 फसलें खड़ी रहती हैं और वो फसल का चक्र इस प्रकार अपनाते हैं कि खेतों से रोज सब्जियां मिलती रहे। जी, सबसे पहले तो हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो एक बार में हमारे खेत में करीब 8-10 फसलें लगी होती हैं। हम एक और खास इम्पॉर्टेंट जो काम करते हैं वो ये कि छोटे छोटे चक्रों में हम उसको लगाते हैं। जैसे मेथी है वो 7 दिनों में हम उसको लगाते हैं, वैसे ही मटर है तो वो 15-20 दिन चलती है, तो हमारे जो लॉट होते हैं वो 15-20 दिन के अंदर के होते हैं। गोभी भी 15-15 दिन के अलग अलग लॉट्स में लगती है। ऐसे करके हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी निरंतरता बनी रहे। प्रतीक अपने फसलों को देने के लिए खाद खुद तैयार करते हैं और फसल को कीट रोग से बचाने के लिए जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जैविक खेती में लागत काफी कम हो जाती है। और वो बताते हैं कि केमिकल खेती में जहां लागत बढ़ती जाती है वहीं उपज घटती जाती है, जबकि जैविक विधि से उपज बढ़ती जाती है और लागत घटती जाती है। खाद वगैरह भी सारा की सारा हम लोकल तैयार करते हैं। जैसे हमारे कोई भी फसल का जो वापस जो कचरा बचता है उसको हम अपने खेत के ही एक कोने में इकट्ठा करके और उसकी खाद तैयार करते हैं, और उसी को हम वापस खेतों में डाल के और उसको उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रतीक सीधे अपने उपज को उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। इसके लिए उन्होंने जैविक किसानों का एक ग्रुप बनाया है। किसान उगाई गई सारी जैविक सब्जियां इकट्ठी कर भोपाल भेजते हैं। वहां के कलेक्शन सेंटर में सब्जियों की छटाई, बिनाई और पैकेजिंग होती है। इसके बाद व्हाट्सएप पर उपभोक्ताओं की लिस्ट अपडेट होती है
और ऑर्डर के मुताबिक इनकी होम डिलीवरी उपभोक्ताओं तक की जाती है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जैविक खेती की है कि इसमें कीमतें थोड़ी सी अच्छी आपको बाजार में मिल जाती हैं। हम भी हमारे जो सारे की सारे जो सब्जियां हैं वो भोपाल जाती हैं और सीधे हम उसे उपभोक्ताओं तक लेके जाते हैं। आज उनके इलाके में जहाँ किसान प्रति एकड़ खेत से 25 से 30 हजार की इनकम कर लेते हैं, वहीं पर प्रतीक शर्मा प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे टमाटर का तो हम करीब करीब 20 टन के आसपास का उपयोग हम पैदावार ले पा रहे हैं और मुनाफा अभी करीब 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के आसपास है साल का, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक हम उसे 2 लाख रुपए तक लेके जा पाए। आज के समय में प्रतीक शर्मा की जैविक खेती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उनसे जैविक खेती सीखकर उसे अपनाते हैं और अपनाना चाहते हैं। प्रतीक ने अपने खेती के जुनून को जैसे पूरा किया वो वास्तव में सराहनीय है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है ये समझना उन्होंने अपने आंतरिक शांति के लिए ये फैसला लिया। माना इस काम में शुरू में संघर्ष था, पैसे कम थे, लेकिन सुकून जरूर था जिसकी हर कोई तलाश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।